हाय, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। क्लास टेंथ का ये टॉपिक है दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर फोर्थ का ये लास्ट टॉपिक है। तो आइए डिस्कस करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, व्हाट इज ग्रेविटी? ग्रेविटी क्या है? एक फोर्स है दोस्तों, ठीक है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी मीन्स किसी बॉडी के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स कहां एक्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे मैं एक बॉडी बनाता हूं, ये आर्बिट्री शेप का एक मैंने बॉडी बना लिया, ठीक है। अब ग्रेविटी फोर्स जो है, जो अर्थ लगाता है इस बॉडी पे, ठीक है, जिसे हम वेट कहते हैं, ठीक है। वेट क्या होता है? इट इज द फोर्स बाय विच द ग्रेविटी पुल्स दैट मास या दैट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। तो इस बॉडी को हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो पार्टिकल का जो मास है, इसका मास तो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, छोटे 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 मासेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा। तो मान के चलते हैं, सपोज यहां एक पार्टिकल है, यहां एक पार्टिकल है, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स में बना देता हूं, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स के साथ ये बना हुआ है बॉडी। देखो एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा, सारा बना नहीं सकते, मैंने इतना दिखा दिया। अब होगा क्या दोस्तों, इन सारे पार्टिकल्स पे ग्रेविटी क्या करेगा? नीचे एक्ट करेगा, सब पे अपना ग्रेविटेशनल अपना पुल लगाएगा नीचे की ओर, सब पे अपना डायरेक्शन वो देना शुरू करेगा दोस्तों, ठीक है। अब इससे क्या होगा, सपोज मैं W1, W2, W3 ऐसा मान लेता हूं, W1, W2, W3 इस तरह से लोग WN मान लेते हैं, N पार्टिकल्स अगर है, तो टोटल जो वेट होगा जो बॉडी का एक्ट करेगा डाउनवर्ड, वो क्या हो जाएगा बच्चों, W1 प्लस W2, ऐसे करते करते हमारा N तक जाएगा। ये टोटल वेट होगा जो इस पूरे बॉडी पे लगेगा, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि इतने सारे जो वेट है, ठीक है, ये एक्ट कहां पे करेगा, कहां एक्ट करेगा? क्योंकि ये तो इंडिविजुअल पार्टिकल का मैंने दिखा दिया, बट अगर टोटल सम हम लोग देखते हैं तो वी हैव टू फाइंड अ पॉइंट वेयर द नेट वेट शुड एक्ट, ठीक है। तो ये जो W है, ये W एक फोर्स है जो अर्थ लगा रहा है इस टोटल बॉडी पे। तो हम लोग एक आर्बिट्री ऐसा पॉइंट चूज करते हैं, ऐसा पॉइंट हम लोग चूज करते हैं जहां पे हम इन सब का रिजल्टेंट एक्ट करवाते हैं, और वो पॉइंट के अबाउट इन सारे फोर्सेस का, ये सारे वेट्स का मोमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए दोस्तों। तो पी एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम लोग CG शॉर्ट में लिख लेते हैं। तो CG इज अ पॉइंट इनसाइड या आउटसाइड द बॉडी, इनसाइड हो चाहे आउटसाइड हो, CG इज अ पॉइंट इनसाइड या आउटसाइड द बॉडी वेयर नेट मोमेंट, याद रखें नेट मोमेंट ऑफ द वेट्स ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स, वेट अपना मोमेंट बना रहा है दोस्तों, ये वेट अपना एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बनाएगा, ये वेट भी अपना एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बनाएगा इस पॉइंट के अबाउट, वैसे ये मोमेंट क्लॉकवाइज बनाएगा। तो पी एक ऐसा पॉइंट है जिससे अबाउट नेट मोमेंट, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट, नेट मोमेंट ऑफ द वेट इज टेकन टू बी जीरो। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट इनसाइड या आउटसाइड द बॉडी वेयर नेट मोमेंट ऑफ द वेट्स आर टेकन टू बी जीरो। तो ऐसा पॉइंट है दोस्तों जहां पे टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स कितना आएगा दोस्तों, जीरो आएगा, और इसी पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। पहला कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, पहला हो गया मास डिस्ट्रीब्यूशन, कि मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है दोस्तों, मास डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड द बॉडी, और सेकेंड हो गया शेप एंड साइज, शेप ऑफ द बॉडी, साइज तो नहीं शेप मान सकते, शेप पे हो जाएगा, ठीक है। दो खास बात याद रखने का है कि अगर बॉडी का शेप चेंज करता है सेम मास का ही, सेम मास पे डिपेंड नहीं करता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, ठीक है। तो गिवन मास का अगर हम बात करें तो शेप पे डिपेंड करेगा, और अगर हमने सेम मास का दो अलग अलग ऑब्जेक्ट लिया हुआ है तो दोनों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग आएगा डिपेंड अपॉन द शेप, जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है। एक छोटा सा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का
दो चार मैं आपको बताता हूँ कि फिगर्स का क्या है। तो यहाँ पे मैंने कुछ शेप्स बनाया हुआ है, ठीक है, जो आप देख के बता सकते हो कि क्या क्या शेप है। जैसे ये एक रॉड है, तो अगर एक यूनिफॉर्म रॉड है तो हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या मान सकते हैं, ज्योमेट्रिकल सेंटर में। जितने भी यूनिफॉर्म चीजें मैंने बनाई है यहाँ पे, सबका ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या होगा। अगर ये लेंथ एल है तो इसका मिड पॉइंट बिल्कुल ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। टोटल वेट हम लोग रिज्यूम करेंगे यहाँ पे एक्ट कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो रॉड के केस में आ गया। अब इसमें हम लोगों ने बनाया हुआ एक डिस्क लिया हुआ है, एक सर्कुलर डिस्क है और एक रिंग है। तो दोस्तों हम लोग समझ सकते हैं यार, सर्कुलर डिस्क का ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या होता है, सेंटर। रिंग का भी क्या होता है, सेंटर। अब देखो यार, डिस्क में और इसमें बॉडी के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर रहा है, बट रिंग के केस में क्या है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, रिंग से बाहर लाई कर रहा है। तो यहां पे वेट एक्ट करेगा दोस्तों। अब ये मैंने बनाया हुआ एक स्फीयर 3D फिगर में, ठीक है। तो स्फीयर अगर हॉलो हो या फिर सॉलिड हो फर्क नहीं पड़ता, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास क्या होगा इसका, बिल्कुल ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। अब आ जाते हैं ये सब ट्राइंगल्स, ट्राइंगल और ये सब शेप्स में। तो ट्राइंगल में क्या है, ट्राइंगल में दोस्तों कोई भी अगर ट्राइंगल है तो हम लोग को पता है ट्राइंगल में हमें मीडियन बनाना है। मीडियन क्या होता है, जो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करे। तो मीडियन के इंटरसेक्शन को हमने बना लेना है और इंटरसेक्ट जहां कर जाएगा, ये ट्रायंगुलर लैमिना है बिल्कुल, ये ट्रायंगुलर प्लेट आप समझ सकते हो। ट्रायंगुलर लैमिना का मीडियन जो आएगा दोस्तों, मीडियन में ही हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगा और बिल्कुल फिट यहाँ पे एक्ट करने वाला है, ठीक है। स्क्वायर बनाया, स्क्वायर का भी डायगनल बना लो आप। डायगनल जहां मीट करेगा वहां पे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइट करेगा, तो यहां वेट एक्ट करेगा स्क्वायर लैमिना। रेक्टेंगल का भी आप सेम देख लो, यहां बना लोगे इधर एक्ट करेगा। पैरेलोग्राम का भी डायगनल हम बना सकते हैं, दो डायगनल के मीटिंग पॉइंट पे हमारा वेट एक्ट करेगा। तो ये सिमेट्रिकल फिगर से हम देख सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं कोन पे। तो कोन पे आप देखो ध्यान से, मैं कोन के साथ साथ सिलेंडर भी समझाता हूं। सिलेंडर ध्यान से देखिए, सिलेंडर का क्या होगा, यूनिफॉर्म सिलेंडर अगर है तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर की तरफ लाई करेगा, ठीक है। बट अब देखिए, जब आप कोन बनाते हो, कोन बनाने का क्राइटेरिया क्या है, कोन में हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से सिलेंड्रिकल बेस को इस तरह से, तो मास क्या होता है, ऊपर घटता जाता है, बेस में ज्यादा मास होता है ऊपर घटते जाता है। तो ये आपका सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, जब ये वाला आपको इस पॉइंट पे एच बाई 4 डिस्टेंस पे, हाइट का 1/4 पे, डेरिवेशन हम लोग बाद में कर सकते हैं हायर क्लासेस में। तो हाइट का h बाई 4 मतलब हाइट जितनी होगी टोटल हाइट की 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम द बेस आपका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, ठीक है। तो h बाई 4 हो गया दोस्तों यहां पे, तो h बाई 4 लाई करेगा यहां पे सॉलिड के लिए, ये सॉलिड के लिए हो गया, और h बाई 3 होता है हॉलो के लिए। h बाई 4 सॉलिड लिख देते हैं, h बाई 3 हॉलो के लिए लिख देते हैं। तो हॉलो कोन का h बाई 3 होता है फ्रॉम द बेस और सॉलिड कोन का h बाई 4 होता है। तो ये कुछ कुछ एग्जाम्पल थे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ बॉडीज के, तो आप इसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। क्वेश्चन इसमें से ज्यादा कुछ नहीं आता है, क्वेश्चन बेसिक्स क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पर डिपेंड करता है, कैसे निकालते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है। तो आप बता सकते हो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट है जहां पे होल वेट ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी एक्टिंग, ओके। चलिए ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे। बिल्कुल शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।